हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नायलॉन खमंड की रेसिपी, जो एकदम जालीदार और सॉफ्ट बन के रेडी होगे। उसके लिए नहीं आपको मेजरमेंट कप की ज़रूरत है, हम लोग सिर्फ घर की कटोरी और चम्मच से ही मेजर करेंगे और एकदम स्पॉन्जी जालीदार खमंड रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, उसको छान लिया है। जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से हम लोग 1 कटोरी पानी, 1 चम्मच नींबू के फूल, 3 चम्मच हम लोग शुगर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, पिंच ऑफ हींग और 3 चम्मच हम लोग उसमें तेल डालेंगे। यहाँ पे मूंगफली का तेल यूज़ करिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जो छाना हुआ बेसन है, वो 2 कटोरी बेसन लेंगे और जो हमने पानी रेडी किया था वो यूज़ करेंगे। धीरे धीरे पानी डालना है और मिक्स करना है। ध्यान रखें कि उसमें गांठें ना पड़े, एकदम स्मूथ बैटर रेडी करना है। इस माप से आप बनाओगे तो ना ही आपका पानी कम पड़ेगा और ना ही आपका बेसन ज़्यादा होगा। अच्छे से उसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए, तो आपका बैटर एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा, अगर इस माप का आप ध्यान रखोगे तो। यहाँ पे हमारा बैटर हो गया है, ऑलमोस्ट डन। उसके बाद बैटर हो, पानी हो, डालने के बाद उसको थोड़ी देर फेंटना है, जिससे उसमें एयर रिलीज हो और एकदम सॉफ्ट और हल्का बैटर रेडी हो। थोड़ी देर फेंटने के बाद उसको हम लोग ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे एक स्टीमर रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिए और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाले, क्योंकि हम लोग को कुकिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें एक स्टैंड रखेंगे और उसको ढक के वाफ क्रिएट कर लेंगे। उसको वाफ बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे ढोकले एकदम परफेक्ट बनते। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो गए, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब मीठा वाला सोडा लिया है और 1 चम्मच हम लोग पानी डालेंगे, जिससे हमारा सोडा है वो अच्छी तरह से बैटर में घुल जाए और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और जो हमारा बैटर है वो सोडा डालने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, जो केक बनाने के लिए यूज़ होता है, थोड़ा हाइट वाला रहता है, तो उसमें बहुत अच्छे बनते। अब कोई भी 3 का डब्बा वगैरह ले सकते हो, तो उसको तेल से ग्रीस करके यहाँ पे हम लोग ने बैटर डाल देना और 2 बार ऐसे टैप कर लेना है, जिससे उसमें एयर हो वो रिलीज हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टीम भी रिलीज, पानी भी गर्म हो गया, तो हम लोग उसमें रख के ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे उसको कुक करना है, और कुक करने के टाइम उसको बार बार खोल के ना देखें। तो यहाँ पे हमारे 20 मिनट्स हो गए, तो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टूथपिक का यूज़ किया, आप नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो। हमारी टूथपिक एकदम क्लियर आ रही है, इसका मतलब हमारे खमन एकदम कुक बराबर हो गए। और उसके बाद उसको हम लोग को ठंडा होना देना, जैसे ही ठंडा होगा वो साइड से अपने आप थोड़ा निकलने लगेगा, तो आप देख सकते हो किनारे से उसने छोड़ दिया। तो हम लोग एक नाइफ की मदद से उसको अच्छे से थोड़ा साइड में ऐसे कॉर्नर में कट कर लेंगे। और उसको एक बर्तन या कोई भी उसमें हम लोग पलट देंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको हम लोग अच्छे से कट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही आप कट कीजिए, जिससे एकदम पीस बराबर कट होंगे। गर्म होंगे तो वो टूट जाएंगे, इसलिए ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं चौकन पीस और मीडियम साइज़ के कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हो। और जब ऐसे कुछ ढोकला या खमंड कट करना है, तो दांत वाली जो चक्कू आती है ना, उसका उपयोग करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हमारे ढोकले कितने स्पॉन्जी और जालीदार बन के रेडी हुए हैं। अभी उसका मेन पार्ट है, उसका वघार यानी कि तड़का। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच के करीब हम लोग मूँगफली का तेल यूज़ करेंगे। मूँगफली का तेल यूज़ कर आप कौन सा भी कर सकते हो, बट टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। और 1 चम्मच के करीब हम लोग राई डालेंगे, हींग, कड़ी पत्ता और 3 से 4 लंबे कटे हुए मिर्च। और जिस कटोरी से हम लोग ने बेसन लिया था उसी से 1 कटोरी पानी डालेंगे, जिससे हम
हमारा एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। और इसमें हम लोग को 2 टेबलस्पून के करीब शुगर भी डालना है, जिससे वो नींबू के फूल की खटास और मिठास दोनों एकदम परफेक्ट बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद उसको जो तड़का है उसको ठंडा होने देना है, गरम गरम नहीं डालना है। थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम लोग ढोकले पर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे ढोकले एकदम रेडी है, ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए तो हमारे झटपट बनने वाले नायलॉन खमण रेडी है। आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं, एकदम रसीले और स्पॉन्जी और सॉफ्ट और ना ही गले में अटकेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड एंजॉय कीजिए।